मोहब्बत अमन उल्फत का यहाँ क्या खूब संबल है, चले आओ के सरमतपुर में कवियों का दंगल है, चले आओ के सरमतपुर में कवियों का दंगल है। और चूंकि आवाज दबी हुई है, फिर भी दो तीन कथा मुलाजा फरमाए कि दौलत बेचा, शोहरत बेचा और इज्जत भी बेच दिया। इशारा कर रहा हूँ प्रधान सेवक पर, शेर मुलाजा फरमाए। क्या बात भाई, कि दौलत बेचा, शोहरत बेचा, अरे और इज्जत भी बेच दिया। अरे उसको राजा कैसे कह दूं जिसने भारत बेच दिया। कि दौलत बेचा, शोहरत बेचा और सीरत भी बेच दिया। अरे उसको राजा कैसे कह दूं जिसने भारत बेच दिया। कि भारत था सोने की चिड़िया, नाम था इसका दुनिया में। बात के भारत था सोने की चिड़िया, नाम था इसका दुनिया में। कि नफरत को फैला कर उसने, कि नफरत को फैला कर उसने देश की अजमत बेच दिया। और शेर मुलाजा फरमाए कि यूपी में बेकाबू देखो, अरे बाबा का बुलडोजर है। शेर मुलाजा फरमाए, इशारे में बात कर रहा हूँ कि यूपी में बेकाबू देखो, अरे बाबा का बुलडोजर है। कि हिंदू मुस्लिम करने वाला, अरे बाबा का फॉलोवर है। कि यूपी में बेकाबू देखो, अरे बाबा का बुलडोजर है। कि हिंदू मुस्लिम करने वाला, अरे बाबा का फॉलोवर है। कि पहले रोना बाद में हंसना, अरे बाबा का तो नेचर है। कि अंधकार में पढ़ने वाला, अरे बाबा का अब फ्यूचर है। कि अंधकार में पढ़ने वाला, अरे बाबा का अब फ्यूचर है। और शेर मुलाजा फरमाया चंद शेर के, रगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है। कि रगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान वाला है। कि रगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान वाला है। और हमारे देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, कि हमारे देश के सरहद को कोई छू नहीं सकता। वतन के सैनिकों का हौसला चट्टान वाला है, वतन के सैनिकों का हौसला चट्टान वाला है। और ये शेर भी मुलाजा फरमाए कि हुआ जाता है कैसे मुल्क पर कुर्बान लिख देंगे, हुआ जाता है कैसे देश पर कुर्बान लिख देंगे। हम अपने खून से हर घर में हिंदुस्तान लिख देंगे। कि हुआ जाता है कैसे मुल्क पर कुर्बान लिख देंगे, हम अपने खून से हर घर में हिंदुस्तान लिख देंगे। और अगर पूछे कोई दहशत की मंडी किस जगह पर है, तो कागज पर बड़े अक्षर से पाकिस्तान लिख देंगे, तो कागज पर बड़े अक्षर से पाकिस्तान लिख देंगे। और ये शेर भी बतौर खास मुलाजा फरमाए कि हम अपनी शान और शौकत को यहाँ घटने नहीं देंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का ये बज़्म है। हम अपनी शान और शौकत को यहाँ घटने नहीं देंगे, मुसलमान और हिंदू को यहाँ बटने नहीं देंगे। और हमारे मुल्क के हिंदू मुसलमान का ये दावा है, किसी आतंकवादी को यहाँ सटने नहीं देंगे। और किसी से कम नहीं है कि किसी से कम नहीं है एटमी ताकत में ये भारत, किसी का कोई बम इस मुल्क में फटने नहीं देंगे। किसी से कम नहीं है एटमी ताकत में ये भारत, किसी का कोई बम इस मुल्क में फटने नहीं देंगे। और अभी वादा करो इस मुल्क में इंसा को परवाना कभी मूलियों को कटने नहीं देंगे, कभी मूलियों गाजर की तरह कटने नहीं देंगे। क्योंकि मेजबान कम खाता है, इसलिए मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ।